लॉकडाउन के चलते स्कूल प्रबंधन की मनमानी आई सामने। जहां स्कूल प्रबंधक वहीं पेरेंट्स से स्कूल फीस ले रहा है, वहीं स्कूलों के टीचरों को एवं ड्राइवरों को सैलरी नहीं दे रहा। इसको लेकर स्कूल के टीचर एवं ड्राइवरों ने किया धरना। एंड्स वर्ल्ड स्कूल का मामला, मुरई मोहल्ला स्थित। हम लोग यहाँ टीचिंग स्टाफ और अदर स्टाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली जनवरी से हमको सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे टीचर्स आप लोग यहाँ देख ही रहोगे, इतनी सारी भीड़ है। और वह इसलिए इतना इस कोरोना के दौरान भी हम लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और यहाँ के इकट्ठा होना पड़ रहा है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं घर से निकले या फिर इतनी भीड़ लगाएं, लेकिन अभी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। कंटिन्यूस हम लोग प्रिंसिपल को मैसेज करते हैं, मैनेजमेंट को भी मैसेज करते हैं, कोई हमको जवाब नहीं देता है और ना ही एक भी पैसा रिलीज़ किया जा रहा है। जनवरी से लेकर के आप लोग सोच सकते हैं कि जून तक अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई टीचिंग स्टाफ कैसे सर्वाइव करेगा, या कोई भी स्टाफ होगा वो कैसे सर्वाइव करेगा। ये इंडस वर्ल्ड स्कूल की बात कर रहे हैं हम। आप अभी इनसे मिलने आए तो क्या जवाब रहा प्रिंसिपल? नहीं, मैम से हम लोग कई बार मिल चुके हैं। थाने में भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं। पिछली बार हमने थाने में आवेदन दिया था और उन्होंने भी हमको कहा था कि अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तो वापस आज फिर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 8 दिन निकल गए हैं तो 8 दिन भी कैसे सर्वाइव करें, कोई भी कैसे सर्वाइव करेगा। सभी लोग ऑलमोस्ट ज़्यादातर टीचर ऐसे हैं जो सिंगल अर्निंग पर्सन है अपने घर के। अभी आपको पता है कि कहीं से भी टीचिंग का या इस तरह का तो कोई भी कार्रवाई चल नहीं रही है, तो हमारी तो सारी अर्निंग बंद है। अब ऐसे केस में आप सोचिए कि हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। डेली मैसेज करते हैं हम लोग प्रिंसिपल को कि कुछ तो अमाउंट रिलीज़ करिए, एटलीस्ट 5,000-10,000 कुछ तो रिलीज कीजिए। देखिए, ये आप इस चीज़ को क्लियर समझिए कि हम जिस सैलरी की बात कर रहे हैं ये पिछले सेशन की सैलरी है, तो पिछले सेशन की तो फीस ले चुका है स्कूल, तो पिछले सेशन का तो पैसा देना पड़ेगा ना। दिक्कत का इस सेशन इनको सैलरी देने में प्रॉब्लम नहीं, ये आपने इनसे बात की तो क्या जवाब दिया? इनका कहना है कि हम लोग जो जनवरी से लेकर मार्च तक की सैलरी है उसको मार्च 21 तक रिलीज कर पाएंगे, और जो अभी करंट में वर्क कर रहे हैं उनको हम आधी आधी सैलरी देते रहेंगे। इस तरह का इनके मैनेजमेंट से एक मेल आया था हमें। आपका नाम बता दीजिए। सुनील गुप्ता, मैं यहाँ पर फिजिक्स टीचर था, और था मतलब इन्होंने, इसमें भी आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इन्होंने हमको 15 अप्रैल को एक मेल किया कि आपको 31st ऑफ मार्च से रिलीव किया जाता है। रिलीविंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए इन लोगों ने, ना ही हमको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है, ना ही इन्होंने ये हमको कोई ऐसी शीट बना करके दी है कि इतना अमाउंट आपका ड्यू है। और TDS भी इन्होंने पे नहीं किया है, एक क्वार्टर का TDS पे किया है, लगभग 20,000 के आसपास तो मेरा ही TDS इनके ऊपर यहाँ पर बकाया है। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जैसे हमको कंटिन्यूस नोटिस आ रहे हैं कि आपको ITR पे करना है, तो हम तो उसमें भी समस्या में कि हम लोग वो कैसे पे करेंगे अगर TDS ये लोग नहीं देंगे तो। ठीक है सर, आप यहाँ पर मिलने आए? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा एडवोकेट है। मेरी दो बेटियाँ इंडस स्कूल में पढ़ती हैं। पिछले कई दिनों से इंडस स्कूल का आधा स्टाफ नौकरी छोड़कर जा चुका है। हमें यह भी जानकारी मिली कि इंडस स्कूल के द्वारा स्टाफ को भी पेमेंट नहीं किया गया है। आज हम लोगों के द्वारा प्रिंसिपल मैडम से चर्चा की गई है। हमें सिर्फ यह श्योरिटी चाहिए थी कि आगे स्कूल ईयर रन रहेगा, क्योंकि कई पेरेंट्स बच्चों के फुल पेमेंट ईयर के पेड कर चुके हैं, और यदि मिड टर्म में हम बच्चों को निकाल के कहाँ जाएंगे, स्कूल बंद होता है इसी परिस्थिति में। नहीं, लॉकडाउन में स्कूल के द्वारा कंटिन्यू हमें फ़ोन किया जाता रहा, कॉल की जाती रही, मैसेज दिया जाता रहे कि आपके द्वारा पेमेंट जमा कराइए। जब हमारे द्वारा कहा गया कि हम स्कूल नहीं आ सकते, तो इनके टीचर्स के द्वारा हमारे घर आके पेमेंट लिया गया है, वो भी कैश। कितना दिया था? 50,000। प्रशासन बोल रहा है कि इसकी कोई शिकायत नहीं की गई है कि घर जाके? प्रशासन के को भी सारी जानकारी है, और आज की स्थिति में पेरेंट्स इतना परेशान, लॉकडाउन में कहाँ जाएगा, कई पेरेंट्स को स्कूल आना। मैंने यहाँ स्टाफ को जरूर करी है, इनके एसोसिएशन को करी है, इनका जो ट्रस्ट चला रहा था उनको, दिल्ली वालों को कई बार फ़ोन किया, पर न तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते, नहीं मैसेज रिसीव करते, रिप्लाई भी नहीं देते। बात करते हैं तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई अभी चालू है स्कूल की तरफ? नहीं, अभी तो बंद हो गई है, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसके पहले जरूर एक महीने चालू थी, वो भी बड़ी टिपिकल पोजिशन है। सर आपका परिचय? मैं राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, इंदौर। चल रहा था उसके बावजूद भी इन्होंने फीस ली, कितनी फीस? मैं लमसम भरती हूँ हर साल फीस, जो मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में हैं, तो मैं हमेशा उनकी लमसम पे करती हूँ फीस। तो इन्होंने लॉकडाउन में मुझे फ़ोन करके बोला कि अगर आप नहीं भरेंगे तो लेट फी चार्ज होगा, और पूरा 1,45,000 रुपये मैंने लॉकडाउन में इनको चेक दिया है बकायदा। तो अभी आप इनसे क्यों मिलने आए?
वही है कि मुझे ऐसा पता चला है कि स्कूल बंद हो रहा है और ये लोग टीचर्स को भी फीस नहीं दे रहे जबकि हमसे बराबर फीस ली जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ हम लोग सभी वर्कर्स के साथ है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सीजन का कोर्स पूरा बचा हुआ है, ये पूरा कोर्स बचा हुआ है, अभी ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, उसमें भी कभी होती है कभी नहीं होती है, डिपेंड ऑन टीचर्स की, कभी क्या चल रहा है कभी कुछ क्लियरली पता नहीं होता है। इन्होंने मेरे बेटे हैं, एक क्लास 5th में है, एक 8th में है, अभी गया है, और इन्होंने ट्रिप के लिए मुझसे पैसे लिए थे 8,000 रुपये छोटे बेटे की, वो मैंने पिछले साल अगस्त में भरे थे, उसका मुझे अभी तक कोई रिफंड नहीं हुआ है, अब भी जाकर जो मैंने फीस भरी है उसमें वो एडजस्ट हुआ है अमाउंट। तो क्या सीधे धोखाधड़ी कर रहे हैं क्या? रिकॉल करती रही मैं बार बार, मैम प्लीज़ मेरे ट्रिप के पैसे वापस कीजिए, 8,000 रुपये ट्रिप के। हाँ अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आएगी तब देंगे, तब आएगी तब देंगे, ये पूरा टाइम यही उन्होंने, एट लास्ट अभी फीस में मैं अड़ गई कि मुझे इसमें आप एडजस्ट करके दीजिए, आई डोंट नो, नहीं तो मैं फ़ीस नहीं भरूंगी, तब जाके उन्होंने 8,000 रुपये इस फीस में एडजस्ट किया। और मतलब कोई सुनवाई ही नहीं है, भावना स्कूल के अंदर। कितने वर्षों से आप यहाँ? मैं 5-6 वर्ष से इस स्कूल के अंदर कार्यरत हूँ। कैसी प्रॉब्लम है आ रही है? प्रॉब्लम सैलरी की हमेशा आती रहती है, सैलरी समय से मिलती नहीं है बिल्कुल भी, और अधिकारी के पास हम अगर सैलरी के लिए कुछ कहने जाते हैं कि भाई सैलरी तो जवाब से मिलता नहीं है, वो कहता है उस अधिकारी के पास जाओ, दूसरा कहता है उसके पास जाओ, तीसरा कहता है प्रबंधन से बात करो, दिल्ली बात करो, तो इस तरह के अधिकारी लोग हमको आश्वासन देके भगा देते हैं। और सैलरी की कम से कम जनवरी से हमको सैलरी नहीं मिली, समस्त कर्मचारी को, ड्राइवर कंडक्टर जितने भी हैं। इसकी शिकायत और कहीं भी की है? जी जी, थाने में, ये थाना लगता है, थाने में शिकायत की है, कलेक्टर ऑफिस पे भी ज्ञापन दिया हम लोगों ने। क्या अभी तक कोई निराकरण? कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक भी, यहाँ आते तो मिलने नहीं देते हैं स्कूल वाले, क्या अंदर बोले अधिकारी नहीं है आप वहाँ से, तो अंदर आने नहीं देते, गार्ड अंदर नहीं आने देता हम लोगों को। अगर आपको सैलरी नहीं मिलती तो आप आगे क्या? हाँ बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इसके लिए आगे के लिए। आपका नाम बता दीजिए। सत्तार खान जी। मैम बताया यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के टीचर्स भी आए हैं और यहाँ के स्टाफ भी आया है सैलरी को लेकर, जैसे कि अभी स्थिति यहाँ बनी हुई है लॉकडाउन के कारण बहुत सारी जगह पे ये समस्या आ रही है। यहाँ पे भी समस्या आई थी कि टीचर्स जो कुछ जो लोअर लेवल स्टाफ है उनकी फीस को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी सैलरीज नहीं निकल पा रही थी टाइम से, तो यहाँ पर प्रशासन से उन्होंने बात की और प्रशासन ने उनको सांत्वना दी है कि जल्द से जल्द उनकी जो समस्या है उनका निराकरण होगा, और अभी वापस से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनकी फ़ीस जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी ताकि ये जो समस्या आ रही है इस तरीके की समस्या से निपटा जा सके, और ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं ताकि कोई अननेसेसरी एक्शंस ना लिए जाएं लोगों के द्वारा। यहाँ पर पुलिस ने प्रशासन और उन दोनों के बीच में मदद करवाई है ताकि ये कोऑर्डिनेशन हो सके, और प्रशासन ने इनको समय दिया है कि 2 दिन बाद ये वापस मिलेंगे ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का है जो भी इनका मैसेज है वहाँ कन्वे किया जा सके और इनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व की जा सके। हाँ स्टाफ आया हुआ था लेकिन इन लोगों से बात हो गई है और अब थोड़ा सा आश्वस्त है स्टाफ कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुन रहा है और बाद में इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आएंगे। कोशिश हम लोगों ने की है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, अगली जब भी बात करने आए तो इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएँ और इस तरीके की भीड़ या इस तरीके का माहौल, तनावग्रस्त माहौल क्रिएट ना हो। मैम टीचरों का कहना है कि जनवरी से इनको सैलरी नहीं मिली हुई है, इस संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कोई बात क्लियर नहीं की है, एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का है तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनके जो भी समस्या है उसका हल करेंगे। यहाँ पालकों से भी घर घर सैलरी लेने वो फीस लेने की बात आई है, इस बारे में तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई समस्या जानकारी हमें दी नहीं है, इस बारे में अगर कोई जानकारी होगी और अगर कुछ शिकायत आएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।